हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बना के बोला था कि ये लॉकडाउन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, आपको ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करना है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कारण जो भी ये एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइम में आपको अपना जो भी फ्लॉज है, जिसमें भी आप लैक कर रहे हो, वो सब आपको कवर अप करना है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थंबनेल से तो आपको पता चल गया ही होगा कि यहाँ पे मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। मैंने कुछ सोचा है आपके लिए, बट उसके पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन के कितना इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट आपका प्रिपरेशन कभी भी कम्प्लीट नहीं होता। मॉक टेस्ट देने से ही आपका प्रिपरेशन बूस्ट भी होता है एंड उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अब मॉक्स दे रहे होंगे एंड मॉक्स के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी है ऑनलाइन जहाँ पे आप अवेल कर सकते हो वो सब। तो आपको पता होगा मैं डेली इंग्लिश के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेती हूँ। अब तो MTS की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो चल रहा है। ऑलरेडी हमने एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक कवर कर चुके हैं एंड अब तो फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक के लिए मैं 5 सेट्स बनाती हूँ जिसमें 50 क्वेश्चंस रहता है एंड मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चंस मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि हर टाइप आपको पता चले कि किसमें क्या अप्रोच रखना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई और नई टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, बट उसके आगे मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए एक सेक्शनल मॉक टेस्ट की अरेंजमेंट करने जा रही हूँ जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेगा। जैसे आपको टीयर 1 में रहता है, चारों सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है, इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, वो वैसे ही यहाँ पे भी आपको इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे कि एकदम पहले हमने एरर डिटेक्शन किया था, तो एरर डिटेक्शन से मैं शुरुआत करूंगी। एरर डिटेक्शन का 25 क्वेश्चंस का एक मॉक होगा। 3 तारीख को उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 3 तारीख को मैं एक वीडियो आपको बना के बोल दूंगी कि कैसे आपको वो मॉक्स देना है, कैसे आपको ये अवेल करना है एंड उसके साथ साथ उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको वो मॉक का लिंक मिल जाएगा। इस मॉक में हर टाइप का क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जितना भी लेवल वो इजी, मॉडरेट, हार्ड, सभी टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रहेगा। मेरा मोटो यही है कि इससे आपको हर टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसके साथ साथ आप अपने कितना आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आपको पता चले। ठीक है, तो ये मॉक सभी SSC एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी SSC, MTS, CGL, CHSL, GD सभी जो एस्पिरेंट्स मेरे चैनल पे है, उन सभी को मैं बोलूंगी आप जरूर ये मॉक में अपीयर होना। इस मॉक में आपको एरर डिटेक्शन से 25 क्वेश्चंस मिलेगा। सेक्शनल मॉक्स देने से ना आपको हर एक टॉपिक का आपको अंदाजा होगा कि किस में आपको क्या लैगिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक फुल मॉक्स देते हो तो उसमें तो 25 इंग्लिश क्वेश्चन में से सिर्फ 2 या 3 ही एरर डिटेक्शन को क्वेश्चंस रहता है। सिर्फ फुल मॉक्स देने से आपको ये पता नहीं चलता है कि किस में मेरा पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि कोई मॉक्स में आपको एरर डिटेक्शन सब कुछ ठीक हो जाए, नेक्स्ट आप कई और मॉक्स देते हो तो वहाँ पे आप देखना कि एरर डिटेक्शन में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हुआ, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप ऐसे सेक्शनल मॉक्स दोगे तो आपको यहाँ से सभी टाइप का अंदाजा होगा एंड अप्रोच भी आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो फुल मॉक्स देने के साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगी, ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अरेंज करने जा रही हूँ उसमें भी आप जरूर अपीयर होना। ये एकदम फ्री है एंड मैं बहुत मेहनत करके ये मॉक्स आपके लिए बना रही हूँ एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट आप लोग भी वो ऑनेस्टली वो मॉक्स देंगे। सभी एस्पिरेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए। 3 तारीख को आपसे फिर मुलाकात होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।